अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरा किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए न्यू वीडियो शकरकंद की खीर। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से रिपब्लिक डे बहुत बहुत मुबारक हो, सबको शुभकामनाएं। और आज हम उसी खुशी में बनाने जा रहे हैं शकरकंद की खीर, जिसके लिए हमने 1 किलो शकरकंद ली थी जो हमने उबाल लिया। अब इसको हम अच्छे से मैश करेंगे। और ये हमने आधा किलो गुड़ लिया है, ये मिल्क पाउडर हमारा है 4 चम्मच। तो अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। ये अच्छे से मैश हो गया है। अब हम दूध जो है 1 लीटर लेंगे करीब। 1 किलो खीर है तो मतलब सॉरी 1 किलो शकरकंद है तो 1 किलो ही हम दूध लेंगे। अब ये गुड़ को हम इसको जो है चढ़ा देंगे गैस पे। इसका हम शीरा जो है तैयार करेंगे, सिरप। बस हमने ये हाफ प्याली जो है छोटी बस पानी डाला है कि गुड़ हमारा जले ना। हम इसमें करीब 1 चम्मच पूरा भर के देसी घी हमने डाला है। अब हल्के से हम बिल्कुल शकरकंद को भून लेंगे, बहुत हल्का से रोस्ट करेंगे। बस एकदम हमें लो फ्लेम पे ही इसको हल्का सी बस रोस्ट करना है, बहुत लाइट सा, ज़्यादा नहीं करना है ना, इसका कलर चेंज हमें नहीं करना है। बस हमें इतना ही करना है। यहीं पे हम गैस ऑफ कर देंगे, इसे हम निकाल लेंगे। इसमें हम दूध चढ़ा देंगे और ये हम गुड़ से बना रहे हैं तो आप जो है इसको जिनके डायबिटीज़ हो वो भी इसे आराम से खा सकते हैं। गुड़ और फ़ायदा ही करता है सेहत के लिए, और अच्छा होता है जाड़ों में तो और ज़्यादा ही अच्छा होता है। गुड़ से खून भी साफ़ होता है, खून बनता भी है। बस थोड़ा सी घी हम इसमें और डालेंगे, करीब 1 चम्मच। गैस ऑन करेंगे। 1 लीटर दूध लिया है फुल क्रीम, और इसमें थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे। ये देखिए गुड़ हो गया अच्छे से, हमने गैस ऑफ कर दिया है। इसमें हमने सारा मिल्क पाउडर डाल दिया है, इसको अच्छे से चलाएंगे क्योंकि गाठे ना बने। 1 चम्मच हमने इसमें इलायची पाउडर डाला है, इससे काफ़ी अच्छी जो है खुशबू आएगी। ये देखिए दूध जो है खूब अच्छे से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है अच्छा खासा, क्योंकि दूध को हमें जो है थोड़ा ज़्यादा पकाना है कि हल्का गाढ़ा पड़ जाए, इसीलिए मिल्क पाउडर भी डाला है हमने कि काफ़ी अच्छे से जो है गाढ़ा भी पड़ जाएगा और टाइम भी बचेगा आपका। अब हम इसमें सारी शकरकंद जो है डाल देंगे। ये अच्छे से जो है फुल, हमें अब गैस की फ्लेम जो है फुल रखनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है इसी में दूध में ही। ये देखिए खूब अच्छे से मिक्स भी हो गई है और अच्छे से पक भी रही है। और हम सॉरी बताना भूल गए थे कि जब हमने इसको उबाला था तो इसमें हमने 1/2 चम्मच जो है टीस्पून नमक डाला था हमने। नमक डालने से जो है उबालेंगी जब तो इसका जो है शकरकंद की खीर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। एक बार ज़रूर आप लोग मेरी तरह ट्राई करें, ये बहुत अच्छी बनती है। और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। बस ये पक गई है, हम यहीं पे गैस जो है ऑफ कर देंगे। अब ये जो हमने गुड़ का सिरप तैयार करा है ये सारा हम इसी में डाल देंगे। और पहले से नहीं डालिएगा आप लोग, जब भी बनाए इसको तो पहले ना डालें, क्योंकि पहले डाल देंगे अगर गुड़ ना तो दूध फट जाएगा। ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। एकदम रेडी हो गई है, अब हम इसे अच्छे से जो है गार्निश करेंगे। और मीठा आप जो है, हमने 1/2 किलो गुड़ लिया था, आप बड़ा अगर जैसे आपको ज़्यादा पसंद है मीठा या कम पसंद है तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से गार्निश करेंगे। एकदम रेडी है, और एक बार आप लोग ज़रूर इस तरह बनाएं, बहुत अच्छी खीर बनती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें, वो ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और इन्जॉय करिए खीर खा के, बहुत अच्छी खीर है ये।